अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ कीमे के नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे हम, और ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। तो देखिए, जिसके लिए हमने ले लिया है ये है आधा किलो बीफ का कीमा है, जो कि धो करके और इसको स्टेनल में रख के इसका सारा पानी मैंने सुखा लिया है, और ये कीमा रूखा है, थोड़ा सा इसमें चिकनाई है। और ये हमने बॉयल करके एग रख लिए हैं चार, और ये है 3 से 4 चम्मच भुना हुआ बेसन है, जो कि हमने ये टीस्पून से लिया है। टेबल स्पून से अगर आप लेंगे तो ये 2 चम्मच होगा, और ये वाले चम्मच टीस्पून से ये 3 से 4 चम्मच है। अच्छा, ये लहसुन और अदरक है, जो कि 2 टेबल स्पून ये और 2 टेबल स्पून ये ले लिया है, और जिसमें कि आधा हम अंदर डालेंगे कोफ्ते के अंदर और आधा हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ये है कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो देखिए, ये है 1 टीस्पून ये वाला, इससे गरम मसाला है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ये धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, और ये है टेस्ट के लिए हमने थोड़ा सा नमक ले लिया है, क्योंकि नमक हम 2 जगह पे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ले लिया है। और ये हैं कुछ ग्रीन मसाले, जैसे कि ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक छोटी सी प्याज है, और ये हरी मिर्च है। तो कोफ्ते में प्याज हम कम डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादा प्याज से कोफ्ते फट जाते हैं और बिखर जाते हैं। व्यूअर देखिए, ये एक बैच हमने कीमा ये पीस लिया है, और ये बिल्कुल बारीक सा हो गया, और इसमें ये जो थोड़े बहुत ये दिख रहे हैं चिकना, ये हम निकाल लेंगे बाद में, और ये हमने दूसरा बैच डाल दिया है। तो अब इसके साथ में हमको पीसना है ये प्याज। और देखिए, ये जो हरी मिर्च है ये हम सारी इसमें डाल देंगे, क्योंकि चटपटे कबाब कोफ्ते चटपटे ही अच्छे लगते हैं। और इसमें से थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे, और ये देखिए, ये सारा जो गरम मसाला हमने दिखाया था, गरम मसाला और जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे, ये सब हम इसमें डाल देंगे। साथ में ऐसे करेंगे तो ये मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। और ये बेसन है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो जो बाद में हमें मिक्स करना होगा ना, वो हम अभी इसमें इसी में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये सब हो गया। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको एक बार चला लेते हैं मिक्सी में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारा कीमा रेडी हो गया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि ऊपर वाला कीमा जो है वो इसमें, नीचे वाला सादा कीमा है तो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो व्यूअर देखिए, अदरक लहसुन हम मिलाना इसमें भूल गए थे, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 टीस्पून भर के अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, और इसको हमें एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, ये मीठा है तो 2 से 3 बूंद। इसकी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ही टेस्टी लगती है, यानी बहुत मज़े की लगती है कबाबों में। और 2 से 3 बूंदे इसमें डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा हम केवड़ा वाटर डाल देंगे। अंडे को हम ऐसे ऐसे करके फोक से डॉट डॉट इसमें लगा लेंगे, ताकि ये जो है ना, कभी कभी अंडा फट जाता है, तो ऐसे करेंगे ना तो अंडा फटने का डर नहीं रहता है। अब हम देखिए पानी लगाएंगे हाथ में, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इतना हमको लेना है कि एक अंडा इसमें आ जाए और बाइंड हो जाए। और ध्यान रखना है कि बेसन डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बेसन है तो आप भून के डालें, नहीं तो भुना हुआ चना जो होता है उसको आप डाल सकते हैं, पीस के और उसको डाल लें। तो देखिए, ये इतना बड़ा सा हमने ये बना लिया है। अब इसके अंदर हम रखेंगे ये एक एग और तो इस तरह से हमें इसका कोफ्ता बना लेना है। और जो हिस्सा आपको खाली लग रहा है, वहाँ थोड़ा सा कीमा और ले और इस तरह से लगा सकते हैं, और हाथ से दबा दबा करके इसको बहुत ही अच्छी तरह से दबा के और इसके बॉल बना लेने हैं। यही इसकी ये खूबसूरती होती है। बहुत इत्मीनान से आप इसको ऐसे बनाएं, और ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ये।
और देखिए फ्लेम ऑन करके पैन में ऑयल चढ़ा हुआ है और ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो जैसे हमने आपको ये दिखाया है ना, बस आपको इसी तरह से सारे कोफ्ते रेडी कर लेने। ये देखिए लग रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा सा, और दबा के आप इसको ऐसे करेंगे ना तो ये फटेगा भी नहीं। और प्याज इसमें बहुत कम डालनी है। तो देखिए अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये डाल देते हैं, और फ्लेम हम लो पे रखेंगे, लो मीडियम रखें या मीडियम हाई रखें आप, क्योंकि ज़्यादा हाई में भी कबाब जो है वो जल जाएंगे। गरम हो चुका है और ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमने अपने हिसाब से लिया है। अब ये है एक छोटी प्याज रसली चॉप, तो इसको हमें इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इधर देखिए ये कोफ्ते भी फ्राई होके रखे हुए हैं। प्याज अब ब्राउन हो चुकी है, अब हम ये डाल देते हैं दो मीडियम साइज की प्याज। तो ये दो मीडियम साइज की प्याज को हमने पीस लिया है, और अब हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए ये 1 टीस्पून जा रहा है अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून जा रहा है लहसुन का पेस्ट, और अब हम डालेंगे इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो देखिए ये आधा चम्मच हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कोफ्ते के अंदर अच्छा खासा मिर्चा पड़ा हुआ है, और उसमें कोफ्ते में हरी मिर्च भी है, काली मिर्च भी है और लाल मिर्च भी है, इस बात का ध्यान रखें। और ये है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और नमक हम बाद में डालेंगे, थोड़ा सा मसाला भून लेते हैं। तो मसाला अब ये देखिए भून चुका है और इसमें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो पे कर देंगे, और अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। तो देखिए ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि हम अंदर भी डाल चुके हैं, और 1/2 टीस्पून ये ज़ीरा पाउडर है, और काली मिर्च भी हम 1/2 टीस्पून ले लेते हैं। और ये देखिए अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक अंदर भी पड़ा था तो बाद में हमें टेस्ट कर लेना है, और इन सब चीज़ों को हमको मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी ग्रेवी, क्योंकि ये बहुत सूखा लग रहा है। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी ग्रेवी इसमें डाल लें। और व्यूअर्स देखिए इसमें टमाटर का पेस्ट और दही भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में खट्टा पसंद नहीं किया जाता है तो हमने ये नहीं डाला है, और आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया है मसाले में, अब हम एक एक ये कोफ्ते इसमें रख देते हैं, और बहुत ही हाथ को संभाल के रखिए। और बस हमको कोफ्तों को डाल करके इसको ज़्यादा हमें हिलाना डुलाना नहीं है ना चलाना है, ऐसे ऐसे ग्रेवी लेंगे और इसके ऊपर डाल देते हैं हम। तो देखिए इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चलिए हम 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स ये 5 मिनट हो चुके हैं, और ये ढक करके इसमें भाप लग गई है, अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं, ये अब रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये रेडी हो चुका है, इसको हम हरी धनिए से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा और केवड़ा वाटर, और मीठा इत्र तो हमने अंदर डाला ही है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। हम इसमें ऊपर से डालेंगे ग्रेवी, तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ना। तो ये जैसे देखने में आपको लग रहा है वैसे ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, हमेशा ऐड के साथ देखा करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है व्यूअर्स।
तो इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया हम और डाल देते हैं। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच देखा करें और विद दैट देखा करें, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट से हम बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है।